हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल्स। तो आज मैं परीक्षा के बारे में कुछ बातें लेके आ रहा हूँ और विद द सटीक इन्फॉर्मेशन। दिस हैज़ कम फ्रॉम झारखंड एकेडमिक काउंसिल। मैं वाला हूँ कि आपकी दो टर्म में जो एग्ज़ाम होगा, आप किस तरीके के एग्ज़ाम वहाँ पे देंगे और किस तरीके से एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा। देखिए, सेकेंड टर्म की जो एग्जामिनेशन है और फर्स्ट टर्म की एग्जामिनेशन है, तो टोटल डिफरेंट है। आपको फर्स्ट टर्म की एग्जामिनेशन में आपको ऑब्जेक्टिव वाइज टोटल क्वेश्चंस होगा, मतलब दैट मीन्स आपका एमसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा और आपको एमआर शीट आपको वहीं से प्रिंट आउट मिलेंगे। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए यहाँ पे सेकंड इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे होंगे। प्रथम सार्वधिक परीक्षा मार्च दिसंबर 2021 तथा द्वितीय सार्वधिक परीक्षा 2022 में आयोजित की जाएगी। प्रथम जो परीक्षा होगी, यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म की जो परीक्षा होगी आपको यहाँ पे दिखाया गया होगा, ये प्रथम सार्वधिक जो परीक्षा है आपकी परीक्षा बहुवैकल्पिक होगा, राइट। और ये जो होगा आपकी ओमआर शीट पर ही डिपेंड होगा, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे ओमआर शीट पे आपको देना होगा। लेकिन सेकेंड टर्म की जो परीक्षा होगा आपका, सेकेंड टर्म की परीक्षा टोटली आपका यहाँ पे जिस तरीके से पहले आप 19-20 में देते थे, आप वैसे ही होगा। जैसे यहाँ पे अति लघु उत्तरीय या लघु उत्तरीय या तो दीर्घ उत्तरीय, इस तरीके से आपको दैट मीन्स सब्जेक्ट टाइप का होगा। और ख़ास बता दूँ आपके लिए कि जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो हैज अनाउंस्ड हो चुका है। और मैं आपको बता दूं किस तरीके से, और बिना आप शुल्क रहित या तो शुल्क सहित कैसे देंगे और किस रेट में देंगे, जो आपका मतलब फी एक तरह से लेट फी वगैरह जो होता है वो सब नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले बता दूँ, यहाँ पे शुल्क रहित मतलब कि आप विदाउट लेट का यदि यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरते हो तो आपको 28 से 13 के बीच में भर लेना है, मतलब 28 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर के बीच में आप लोग को जनरेट कर लेना है आप लोगों को ऑनलाइन करने की। आप जैसे पे की बात रही कि मतलब आप बैंक के द्वारा या तो किसी भी द्वारा आप वहाँ पे करेंगे कितना लग रहा है कितना नहीं, आपको वहाँ पे 17 तक यहाँ पे डेट आपको दिया गया कि 17 तारीख तक आप 17 नवंबर तक यहाँ पे आप कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर देखते हैं, आगे क्या दिखाया गया है। आगे की ओर यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे आपको यदि लेट हो गया तो लेट होने के बावजूद भी यहाँ पे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 13 तक तुम्हारा लास्ट डेट था और मतलब ऑनलाइन जनरेट करने के विदाउट लेट फी, और आपको यहाँ पे लेट फी के साथ आपको देखो यहाँ पे आपको दिखाया गया है 14 नवंबर से लेकर पूरे 18 नवंबर तक आपको यहाँ पे फिर से ऑनलाइन फॉर्म जनरेट करना है। और आफ्टर दैट आपको क्या होगा कि आपको यदि फी वगैरह का मेंटेनेंस करना है, आपको चालान कटवाना है, तो आपको 20 तक दिया गया। ये सबसे बेटर इन्फॉर्मेशन था आज की। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आप जितने भी सारे हैं और आप वीडियो देखते हैं पर मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।